Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all doing well. So guys, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ होममेड चीज़ की रेसिपी, जिसे बनाना है बहुत ही आसान और मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊंगी डेमो के साथ। आपका चीज़ खिंचेगा भी और बहुत ही अच्छा टेस्ट उसका आने वाला है। लास्ट में हम ब्रेड पिज़्ज़ा भी बनाकर दिखाएंगे इसी चीज़ से और मैं आपको खुद दिखाऊंगी कि कैसे स्ट्रेच आउट हो रहा है। तो चलिए करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 ग्लास फुल फैट मिल्क, और ये रॉ मिल्क है, इसको मैंने पकाया नहीं है, कच्चा दूध है ये बिल्कुल। और दूसरी साइड में 1 ग्लास पानी गर्म कर रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। तो अब हम चेक करेंगे मिल्क को, तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी फिंगर डिप हो रही है, मतलब बिल्कुल गुनगुना आपको करना है, तो आप गैस ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल भी इसको गर्म नहीं करना है। और इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं 4 to 5 टेबल स्पून विनेगर। आप विनेगर स्लोली स्लोली ऐड करते रहिए और साथ में चलाते भी रहिए, धीरे धीरे ही विनेगर डालना है और साथ में उसको हमें चलाना है इस तरह से। आप धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका चीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी अलग हो गया है इसका, तो ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से ही आपको करना है। सो यहाँ पर ये फाइनली इकट्ठा हो गया है। सो यहाँ पर पानी जो मैंने गर्म होने के लिए रखा था वो भी हो गया है, और मैंने यहाँ पर ये साथ में इसलिए रखा था क्योंकि आपको ये काम बहुत जल्दी करना है, नहीं तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छे से आप इसमें से पानी स्क्वीज आउट करें। और जल्दी से हम गर्म पानी में इसको डाल देंगे और फिर गर्म पानी में हम अच्छे से इसको रोटेट करेंगे, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर या जो भी इसके अंदर है वो निकल जाए इस तरह से। अब इसको गर्म पानी में से निकालेंगे और अच्छे से इस फिर से पानी को स्क्वीज आउट कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसको ठंडे पानी में और फिर से हमें इसको में से एक्स्ट्रा वाटर स्क्वीज आउट करना है इस तरह से। और हम फिर से इसको डाल देंगे गर्म पानी में। ये प्रोसेस अराउंड 3 to 4 times हमें रिपीट करना है। और ध्यान रखें आप ये सब कुछ काफ़ी जल्दी करें, बहुत टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खिंचना स्टार्ट हो गया है, तो मैं 1-2 बार इस प्रोसेस को और कर लूँगी। तो यहाँ पर ये तैयार है और अब मैं इसको एक पॉली में टाइटली रैप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इतना टाइटली आपको करना है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो इसका। और इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए देखते हैं इसको खोलकर। तो वैसे ही ये हार्ड एंड सॉफ्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर से काफ़ी स्मूथ इसका टेक्सचर है। सो यहाँ मैं इसको आपको कट कर दिखा रही हूँ, तो वैसे देखने में ये बिल्कुल पनीर जैसा ही लग रहा है, बट यहाँ मैं आपको इसका लाइव डेमो देने वाली हूँ, जिससे आप भी समझ जाएं कि ये चीज़ ही बना है और काफ़ी ज़्यादा ये स्मूथ है। सो गाइज, यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन और मैं इसको गर्म कर रही हूँ, और थोड़ा सा चीज़ का पीस जो मैंने बनाया था उसको यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये हीट अप होने लगा है और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए ये अच्छे से खिंच रहा है, जैसे मार्केट का चीज़ खिंचता है। इवन मैंने इसको ब्रेड पिज़्ज़ा में भी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही मैंने यूज़ किया है। और इवन आफ्टर बेकिंग बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इसका आया है जैसे हमें मार्केट में चीज़ मिलता है। तो लिटरली बहुत कम टाइम में बनने वाली और बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है ये। तो प्लीज़ आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी बातों का विश्वास मत कीजिए, तो आप खुद बना कर देखिए और मुझे बताइए आपका ये कैसा बना। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मस्ट ट्राई, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।